Hello and welcome to the next episode of the series called Teri Meri Kahani. I hope you all are doing really, really well. आज है 8 मार्च. हालांकि जो ये इंटरनेशनल विमेन्स डे का जो दायरा है इसमें हम औरतों को जो एक दिन में कैद करना होता है ना, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है इस चीज. लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सोचती हूँ कि चलो एक दिन मिल गया तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट, और उन लोगों को उनकी कहानियों को उनकी जिंदगियों के बारे में बात करें जिनसे हमें बहुत कुछ सीखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेन्स डे टू ईच वन ऑफ यू वॉचिंग दिस. एंड सेकेंडली, जैसे मैंने आपको कहा कि आज तारीख है 8 मार्च, तो तारीख खास है तो फिर हमारे गेस्ट भी आज के शो में बहुत ज्यादा खास होने चाहिए, जो कि हैं हमारे साथ हैं आज लिविंग लेजेंड, जिन्होंने ये साबित किया है कि जो ये हम लड़कियों को कहते हैं ना कि ओ लड़कियों उड़ो मत, उड़ो जितना मर्जी उड़ो, और इन्होंने खुद भी खूब सारा उड़ी है, और इन्होंने बागियों के लिए भी बहुत सारे दरवाजे खोल दिए, रास्ते खोल दिए उड़ने के लिए, चलने के लिए, आपने विंग्स दिए हैं. शी इज नन अदर देन निवेदिता भसीन. निवेदिता मैम, हेलो, वेलकम, थैंक हाय, थैंक यू यू सो सो मच. मच. थैंक यू सो मच प्रीत. आई नो आप बहुत महीनों से कोशिश कर रही हो मेरे से मिलने के लिए, बट इट्स माय फॉल्ट. यू नो आई जस्ट गॉट अ न्यू असाइनमेंट एट वर्क एंड आई बीन सो बिजी. मैं इतना बिजी थी काम पे कि मुझे ये मौका ही नहीं मिल रहा था कि आपसे और आपके दर्शकों से मैं बात कर पाऊँ. तो इसके लिए मैं बहुत बहुत नहीं माफी चाहती मैम, हूँ. आप ऐसे नहीं कहे. हाँ पता है, आपने नहीं जब मैसेज सुबह किया और मैंने आपका मैसेज जब उठते देखा ना, तो मुझे लगा, इंस्टेंटली ऐसे लगा कि आपका मेरे को रिवर्ट करना खुद एफर्ट करके, मुझे लगा आप भूल गई होंगी, बट मेरा यकीन पता है इस बात में और फर्म हो गया कि जो पेड़ जितना ऊंचा, जितना फलदार, जितना सायादार होता है ना, वो उतना ही झुका हुआ होता है. और आपने करियर वाइज जो कुछ भी किया है अचीव, वो उससे तो सीखना ही है, बट आप जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो है उससे बहुत कुछ सीखना है, एंड आई मीन इट. सो विमेन्स डे पर आपसे बेहतर कोई और ट्रेल ब्लेजर नहीं हो सकता, कोई और इंस्पिरेशन नहीं हो सकती है जिनके बारे में जिनसे बात करना और जिनकी जिंदगी से के बारे में बात करना इम्पोर्टेंट हो हम सबके लिए. निवेदिता मैम, आप ने बहुत से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है. यू हैव एक्चुअली सारी ये जो ग्लास सीलिंग है इसको तोड़ा है और हम सब के लिए एक नया रास्ता खोला है. तो पहले मैं ये बता दूं सबको कि निवेदिता मैम को एट द एज ऑफ 26 इन 1989, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैम, अच्छा शी बिकेम द अच्छा वर्ल्ड्स यंगेस्ट वेमेन जेट कमांडर. एम आई राइट मैम? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और या हमारी एयर इंडिया में तीसरी विमेन पायलट जो है वो है मैडम निवेदिता भसीन. थैंक यू सो वेरी मच, आई एम सो ऑनर्ड. मतलब मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ लेकिन अभी वहां रोक देती हूँ. और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से मैम, फ्लैशबैक में चलते हैं, आपके बचपन में चलते हैं. आपका जन्म कहाँ का है और घर में कौन कौन था? यू नो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और आई थिंक टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक हाउ मेनी आई एम ऑलमोस्ट आई एम रियली ओल्ड. आई वोंट टेल यू माय एज. आई जस्ट टेल यू आई एम अ ग्रैंड मदर. आई एम अ ग्रैंड मदर. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू माय एज, बट आई जस्ट वांट टू लेट यू नो. यू नो एक सीक्रेट है जो मैंने आज तक कभी भी ये किसी इंटरव्यू में नहीं कही है, पर आज कहती हूँ क्योंकि मूड मूड अच्छा है और लविंग मूड है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इनफॉर्मल. तो जिस तरीके से मैंने अपनी उड़ान भरी उसी तरीके से मेरी पैदाइशी भी हुई. और आई वॉज ऑलमोस्ट बॉर्न इन अ ट्रेन ऑलमोस्ट. तो या तो हम लोग मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं और मेरी नानी का घर पटना में है और मेरी मम्मी पटना जा रही थी मेरे बॉर्न होने के 1 महीने पहले पटना जा रही थी. तो रास्ते में ही उन्हें ब्रेक जर्नी करनी पड़ी एंड आई वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद. तो आई वाज बॉर्न इन अ हरी. मैं पैदा हुई और ऐसी जगह पर इलाहाबाद, यू नो कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स. तो आई कंसिडर इट अ ब्यूटिफुल प्लेस. संगम है वहां पे और तीन रिवर्स का यू नो मिलाप होता है वहां. तो मेरी ऐसे पैदाइशी हुई, पर ऑफ कोर्स आई वाज ब्रॉट अप एंड
आई कंसिडर माई सेल्फ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो दैट्स हाउ आई एम. और मैं दिल्ली में ही पढ़ी और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 5-6 साल की ही थी, तब से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था. तो मैं हमेशा ऊपर देखा करती थी और स्कूल में भागती थी इधर से उधर, जब भी कोई बर्ड्स दिखती थी और उनके पीछे, और हमेशा ऊपर देखा करती थी कि कैसे ये बर्ड्स फ्लाइंग करती हैं, और काश मैं भी ऐसे फ्री होकर ऊपर उड़ूं और मुझे कुछ नहीं पढ़ना पड़े और मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े. तो शुरुआत ऐसे हुई थी. और उस समय, मतलब इतने साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, मोर देन 50 years back, तो उस समय हम लोग ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये काम कठिन है या मुश्किल है या ये काम नहीं हो सकता या ये काम लड़कियों को नहीं करना चाहिए. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमें ये डाउट नहीं होने दिया कि हम कुछ भी काम नहीं कर सकते. तो हम लोग का जो मन करता था हम लोग वो करते थे. और हमारे पेरेंट्स कितने, मेरी एक एल्डर सिस्टर है, तो ऑफ कोर्स शी वेंट इनटू प्योर एकेडमिक्स, शी इज वेरी ब्रिलियंट, एंड आफ्टर मोर देन 35 इयर्स ऑफ वर्किंग इन द टॉप आईटी कंपनीज, एंड नाउ ऑफ कोर्स शी इज अ कंसल्टेंट विद मैकिन्सी एंड शी इज स्टिल वर्किंग. या शी इज 2.5 years ओल्डर देन मी, एंड शी डिड हर फिजिक्स फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज इन दिल्ली, एंड देन शी वेंट टू द US एंड शी डिड हर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स and studied in Berkeley and came back. So of course, वो तो बहुत ही highly educated है मेरे जैसे नहीं. And so I joined flying after school. But जो मैंने सोचा था कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो उसका उल्टा ही हुआ. और हर 6 महीने पे हमारे exams होते हैं, flying. हर 6 महीने पे exams होते हैं जो हमें pass करने होते हैं. Simulator के exams होते हैं, ground studies के exams होते हैं, और मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है. तो हमारी पूरी लाइफ निकल गई खाली एग्जाम देते देते. तो आई ऑलवेज से नेवर, जो काम आप बोलते हो कि नहीं करूंगी वही आपको करना पड़ता है. एब्सोल्युटली. तो मैम क्या ये ऐसा हुआ था कि स्कूल में जब केजी क्लास में और बच्चे ए फॉर एप्पल सीख रहे थे, तो निवेदिता मैम ए फॉर एरोप्लेन पे अटक गई सुई उधर ही रुक गई और उधर ही रुकी रही जब तक मैं क्लास 10 में आई. और फिर मैंने फ्लाइंग शुरू की. तो जब मैं क्लास में बैठती थी, हमारी क्लास दिल्ली में, हमारा स्कूल दिल्ली में चाणक्यपुरी में है, कामल कॉन्वेंट स्कूल, तो मेरा ध्यान खाली बाहर रहता था, खिड़कियों में ना उसके एरोप्लेन्स की परछाई दिखती थी और मैं हमेशा बाहर देखा करती थी. तो टीचर मुझे बोलती थी कि यू विल गेट अ बिग जीरो, यू नो, एक दो बार उन्होंने बोला. पर लाइफ ऐसी है कि उस समय उन्होंने बोला कि यू विल गेट अ बिग जीरो, पर आजकल हमारी क्या लाइफ है, हम लोग पूरे समय कॉकपिट पे बैठते हैं तो बाहर ही देखते हैं और हमें बाहर देखने के लिए ही पैसे देते हैं और हम अपना काम ही हमारा यही है. तो यू नो दिस इज आवर लाइफ. तो मैम जब आपने 10th में ही तक तो डिसाइड कर ही लिया था, काफी पहले डिसाइड कर लिया था कि आपको इस तरफ जाना है, और आपको ये भी पता था कि ये मेल डोमिनेटेड सारा है, तो इसमें जब घुसने के लिए पेरेंट्स की तरफ से कोई परेशानी, कोई अड़चन या कुछ उस तरह का उनका कुछ डिस्करेज किया हो कि नहीं नहीं तुम कुछ और काम कर लो जो रेगुलर काम. प्रीत, एक्चुअली उस समय हम लोग इतने यंग थे और हमारा पैशन इतना ज्यादा था, मतलब मेरा पैशन, आई वाज रियली पैशनेट. तो मैं जब फ्लाइंग स्कूल गई तो मैं स्कूल से ही गई स्ट्रेट अवे, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में गई पता करने के लिए ना कि एडमिशन कैसे होगा. तो उन्होंने थोड़ा मुझे गुस्सा भी किया वहां पे, जो क्लर्क थे उन्होंने बोला कि आप इतनी छोटी हो, आप वापस जाओ और घर जाओ और अभी पढ़ो. तो फिर मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा कि ऐसा क्यों उन्होंने मुझे बोला. तो मुझे थोड़ा लगा कि यू नो उन्होंने एक छोटे से, मतलब मेरे छोटे से दिल को ऐसे लगा कि उन्होंने मेरा इंसल्ट किया है कि मैं इतनी, मैंने खाब है मेरे कुछ करने का और उन्होंने मुझे ऐसे बोला. तो फिर मैं बगल में गई और वहां पे ग्लाइडिंग क्लब था, तो ग्लाइडिंग क्लब के इंस्ट्रक्टर बहुत ही अच्छे थे, काइंड हार्टेड. तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जरूर करो, ये तो बहुत अच्छा है, आप एक साल के बाद फ्लाइंग में जाना क्योंकि उसके लिए यू हैव टू बी 17, पर अगर आप ग्लाइडिंग सीखना चाहते हो तो आप अभी यहाँ पे 2-3 महीने के बाद आप आ सकते हो, बिकॉज आई वाज स्टिल ओनली 15. पर उन्होंने ये भी बोला कि तुम पहले एरो मॉडलिंग सीख लो, यू नो डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप एरो मॉडलिंग सीख लो. और उस समय जैसे कि अब हम सुनते हैं ये वर्ड्स, बिग वर्ड्स, यू नो, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस समय हमने कभी ये वर्ड सुने ही नहीं थे.
और जब सुने ही नहीं थे, इनका मतलब भी नहीं पता था, और ये भी नहीं लगता था कि कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो हम लोग जब इस फील्ड में आए बिना ये सोचे हुए कि हमें कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, और हमारे पेरेंट्स ने भी लैकेट कि कभी ऐसे हमें लगने ही नहीं दिया कि जो काम तुम करने जा रही हो वो मुश्किल है या वो नहीं हो पाएगा या डिफिकल्ट है। तो इसीलिए एंड पेरेंट्स वो ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। हाउ ब्यूटिफुल। आई थिंक यही या सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने अकम्प्लिश हो गई, जब पेरेंट्स या सपोर्ट हैं और आप आपकी ख्वाहिशों में, आपकी ड्रीम्स में उनको अपने सपने, अपने ड्रीम्स दिखाई देते हैं और सब जॉइंटली उसकी तरफ काम करते हैं। सो दिस या इज सो वंडरफुल। तो उसके बाद आप जाती हैं, आपने आफ्टर आफ्टर योर 10th, नहीं आप हाँ नहीं, आफ्टर माई 10th आई प्लैटिनम, स्टार्टेड एरो मॉडलिंग। फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल में ही थी, 11th में ही थी, फिर मैंने फ्लाइंग शुरू कर दी थी। शुरू कर दिया था। पर या फिर स्कूल की स्टडीज खत्म करी, पर बिकॉज यू नो फ्लाइंग ट्रेनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, उस समय भी थी, इतने साल पहले। आई स्टार्टेड माई फ्लाइंग इन 1979 विद ग्लाइडिंग एंड 1980 विद माई फ्लाइंग। तो सो मेनी ईयर्स हैव 41 ईयर्स हैव पास्ड। सो उस समय भी फ्लाइंग बहुत महंगी थी, एंड माई पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड इट, यू नो इट वॉज टू एक्सपेंसिव, इट वॉज इम्पॉसिबल। बट समहाउ और द अदर, यू नो आई वॉज वेरी लकी कि जहाँ से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट, तो वो स्टेट हर साल कुछ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स देती थी, बट यू हैड टू अपियर फॉर एन एग्जाम। पर मेरा मन नहीं था वहां जाने का, यू नो बींग ब्रॉट अप इन दिल्ली, लिव्ड इन दिल्ली ऑल माई लाइफ, तो वो मन नहीं था। पर बिकॉज आई वॉन्टेड टू अचीव इट, बिकॉज आई वॉन्टेड इट सो बैडली, एंड आई न्यू कि अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के चलते मैं ये नहीं कर पाऊंगी पूरी अपनी ट्रेनिंग। तो फिर मैं वहां गई थी, फिर मैं वहां जाके अपनी नानी और मेरे तीन मामा रहते हैं वहां पे, उनके साथ रह के मैंने 1.5 2 साल में अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म करी थी 1983 में। और फिर 29th of June 1984 आप वेरी अपनी स्पेशल डे। सहेली के घर जाती हैं बर्थडे पर, तो आपके और क्या डैड होता है, पहुंचते हैं अपॉइंटमेंट लेटर लेकर फ्रॉम इंडियन एयरलाइंस। आपने अपनी पूरी रिसर्च इतनी अच्छी से की है, आई डोंट नो कहाँ कहाँ से आप ये सब मेरी तो सीक्रेट्स मैं ना निकाल के ला रही पिक्चराइज हैं। कर रही थी क्योंकि मुझे पता है आप कैसी दिखती हैं और मैंने आपके यंगस्ट डेज वाली पिक्चर्स भी देखी हैं, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि इस तरह किसी फ्रेंड के घर है और फादर पहुंच रहे हैं कि ये आ गया। वो खास मोमेंट 20-21 ईयर ओल्ड निवेदिता की जिंदगी में आता है, जिस एकदम से बदल जाती है सारी। इंडियन एयरलाइंस में आप एयर इंडिया का हिस्सा बन जाती हैं और एक नई जर्नी के लिए निकल पड़ती हैं। मैम जब उसको मुड़कर देखती हैं, उस खास दिन को, उस खास मोमेंट को, और उसके बाद जब यूनिफॉर्म पहना पहली बार, उस चीज को, तो हाउ डू यू रिकॉल दैट? व्हाट व्हाट स्टेज बिहाइंड इतने सालों बाद भी You उसे? know, actually, I think it was very emotional. Of course, we were very young. I had still not turned 21. I was still 20 at that time. My birthday is in July. Yeah, I was still 20. And my friend was turning 20 that day. So we were all celebrating. So of course, उसका बर्थडे तो सब भूल गए और मेरी सेलिब्रेशन शुरू हो गई उस समय। और हम इतने सब छोटे थे, ऑफ कोर्स 20 वाज स्टिल क्वाइट यंग एट दैट टाइम, यू नो वी वर And you know, considering that this was so many years back, 20 was still young. But now, when you say 20, it means you think that the person is pretty matured and old enough to take a lot of decisions. So, hum log bahut celebrations humne ki. But I think for me, it was like a validation and you know, of a journey that I had taken. And I went through a lot of trials and tribulations, a lot of hardships when I left home, when I left my friends. एंड जब मैं अपनी नानी के पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और मैंने अपनी फैमिली को ज्यादा मिस नहीं किया। बट इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। मतलब अगर आप सोचे कि आप अगर यूके में रहती हैं और कहीं ऐसी बड़ी अच्छी जगह में रहती हो और आप बहुत छोटी सी, यू नो लिटिल बैकवर्ड एट दैट टाइम, अगर आप ऐसे जगह गई तो आप कैसा फील करेंगे ना, अपरूटेड। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, फ्रूगल लाइफ, एंड we had money only enough to fly and do nothing else, hardly any pocket money, and my parents had to work very hard. My mother saved every little penny. उन्होंने बहुत मतलब संघर्ष किया
एक जगह इतना पर मैम संघर्ष मैंने किया। ये भी सुना कि आपने उन दिनों के बारे में भी जब डिस्क्राइब करते हुए बताया कि एक जगह पर आप अपनी सिस्टर जब आपकी मिलने आती है तो आप उनको कहती हैं कि क्या ये मेरे को तो, एंड देन शी इज लाइक, वो जब यूएस जा रही थी तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला 19 आप तो उन्होंने आई थिंक बोला आप आपको मेरी बुक लिख देनी चाहिए, क्योंकि आपको मेरी लाइफ के बारे में मेरे से ज्यादा याद है, मतलब हाँ मुझे तो तो याद आएगा। हाँ वो आकर आपको समझाती है ना कि थोड़ा सा कोई बात नहीं, जैसा भी टाइम है यहाँ जिस तरह का भी है, इसके बाद तुम्हें काम मिल जाएगा और ये सब पीछे रह जाएंगी चीजें। सो यू नो माई सिस्टर वॉज अ वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ। वो मेरे से खाली 2.5 years बड़ी हैं, बट वी आर पोल्स अपार्ट। आई एम वेरी आउट गोइंग, ग्रेगेरियस, टॉकेटिव, एंड शी इज वेरी काम, वेरी सीरीन, वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी जेंटल पर्सन। तो एवरी टाइम आई हैड एनी डिफिकल्टी, यू नो आई वुड गो टू हर एंड शी वुड काम मी डाउन एंड से कि नहीं, वट एवर यू आर डूइंग इज गुड एंड डोंट वरी। मतलब एवरी टाइम शी वुड पैसिफाई मी, यू नो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया कि वो यूएस गई थी अपनी पढ़ाई के लिए, तो ये उसी समय आई थी मिलने, सबसे मिलने आई थी। एक्चुअली मिलने भी नहीं आई थी, शी हैड कम टू टेक अ लोन बिकॉज माय पेरेंट्स डिडंट हैव द मनी टू सेंड हर टू द यूएस फॉर स्टडीज। या सो शी वेंट एम्प्टी हैंडेड, यू नो शी वेंट टू शी केम टू पटना, एंड एक मेरी आंट है चाची, उन्होंने उनको हेल्प किया था और तब लोन दिला के फिर वो गई थी यूएस। तो हम लोग मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजरे हैं, तो इसीलिए अब जब हम लोग को कोई देखता है तो सोचता है कि यू नो इनकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है और इन्हें सब चीज है, हासिल है, और इन्होंने कभी कोई अपनी लाइफ में कोई डिफिकल्टी देखी नहीं है, क्योंकि हम लोग को यू नो द वे वी लिव, बट दैट्स नॉट द केस फॉर एवरीबडी। और आप जब किसी को ऐसे देखते हो, आप उसको ये डिस्काउंट मत करिए कि जी उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी मुश्किलें नहीं झेली हैं। नहीं विद एवरी सक्सेस कम्स अ जर्नी, देयर इज अ हिडन जर्नी बिहाइंड, जहां पे आपने बहुत मतलब देयर इज नो नथिंग कॉल्ड अ बेड ऑफ रोजेस। सबकी लाइफ में ऐसे आता है, यू नो हर हर किसी की लाइफ के पीछे कोई स्टोरी छुपी है, होती डिफिकल्ट इन सम वेज। हाँ तो है ऐसे ही था। तो मैं जब पटना में थी, तो दैट वाज अ टाइम ऑफ सेल्फ डाउट, एंड एक्चुअली आई थॉट दैट यू नो इट वॉज टू मच फॉर मी, बट वो आई और जब उन्होंने मुझे ऐसे यू नो मतलब ढांढस बताया कि अब तुम अपना काम करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल, एंड मैम, सो हियर कोई आई एम। आप क्योंकि कोई आपको लगता है ये कोई जेंडर वाज एनी प्रॉब्लम इन दोज डेज व्हेन यू हैड एंटर्ड दिस फील्ड एंड सारा मेल, मतलब आप तो थर्ड थी, आपके सीनियर्स थे पहले, और तो कोई लड़कियां तो कोई थी नहीं इतनी कोई उसमें। एक्चुअली फ्लाइंग क्लब में जो हुआ, आई मीन जैसा मेरे साथ मेरे कॉलीग्स ने बताओ कि आई थिंक दैट वाज आल्सो ऑफ कोर्स अ लिटिल जेंडर बायस, बिकॉज आई वाज इन बिहार एट दैट टाइम, एंड बिहार एट दैट टाइम वाज यू नो नॉट वन ऑफ द मोस्ट फॉरवर्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। नाउ इट्स बिकम बेटर, आई मीन थिंग्स आर यू नो लुकिंग अप ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो, बट वहां पर और मैं ऑफ कोर्स दिल्ली से आई थी और मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो आई थिंक ये उन लोग को पसंद नहीं आया कि मैं बाहर से आके और मैंने उसका स्कॉलरशिप ले लिया, और ऑल्सो बिकॉज मैंने अपने सब एग्जाम्स पास कर लिए थे। तो एग्जाम्स पास करने के बाद मुझे खाली फ्लाइंग करनी थी, तो यू नो आई वॉज गेटिंग मोर फ्लाइंग देन देन। तो आई थिंक इनिशियली दैट वाज अ केस। और अगर मैं सोचू, मैं अपने आप को यू नो इफ आई पुट माई सेल्फ इन देयर शूज, देन मे बी मैं भी ऐसे करती, मे बी थ्रेटन हो यू जाते नो। हैं। हाँ थ्रेट, ऑफ कोर्स यू फील थ्रेटन्ड, यू नो दैट समबडी हैज कम। बट आई थिंक व्हेन आई जॉइंड इंडियन एयरलाइंस एज अ थर्ड वुमन पायलट, कि उस समय दो लेडीज थी, एक ने मेरे से 4 years पहले ज्वाइन किया था, कैप्टन सुदामिनी देशमुख, और जो दूसरी थी उन्होंने तो बहुत साल पहले 1966 में उन्होंने ज्वाइन किया था, कैप्टन दुर्गा बनर्जी। तो उस समय मतलब द आई थिंक द पायलट्स वर नॉट सो रेडी टू हैव विमेन इन द कॉकपिट। इट वाज अ टाइम व्हेन दे फेल्ट आल्सो अ लिटिल आई वुडन्ट से थ्रेटन्ड, बिकॉज वी वर क्वाइट यंग, दे वोंट फील थ्रेटन्ड, बट दे जस्ट फेल्ट ऑड यू नो टू सी विमेन वर्किंग अलोंग साइड, एंड दे वोंट श्योर कि हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हम लोग अपना काम ठीक से करेंगे कि नहीं, बिकॉज दे हैड नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स आई कैन से दैट यस आई थिंक दे वर क्वाइट राइट इन थिंकिंग दैट वे। इट वाजंट अ
discrimination because Indian Airlines never discriminated. They recruited us, so they didn't discriminate. The Indian Air Force discriminated against women pilots. You know, they didn't take. Coast Guard never took. I mean, I applied to Coast Guard. They did not take, you know. So, उस समय वो लोग नहीं लेते थे. पर अब सब अब लेने लगे हैं. And you know, now, तो मैम आपको लगता है कि ये जो पेट्रियार्की है ये सिर्फ जमीन पर धरती पर ही एग्जिस्ट करती है कि ये आसमान में भी होती है या जब आप फ्लाई करती हैं तो आपको लगता है कि आपके पैसेंजर्स इनिशियली जब आपने शुरू किया तो पैसेंजर्स ज्यादा फील कर सेफ करते थे फील मेल जो पायलट्स हैं उनके जब उन्हें पता लगता है कि एक फीमेल पायलट चला रही है तो तब तब शुरुआती दिनों में तो उनको घबराहट होती थी. ये तो सड़क पर बहुत, कार भी चलाते हैं ना कोई गाड़ी किसी की झुक जाए तो ये कहना शुरू हो जाते हैं ये पक्का लगी चला रही है. या पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने प्लेन चलाना पहले सीखा और गाड़ी चलानी बाद में सीखी. Because I was so young, you know, मैं पहले ही प्लेन चलाना मैंने सीख लिया. Of course, but all said and done, yeah, in the air actually लोग भी रेडी नहीं थे तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी ऐसे women pilots देखी नहीं थी. जब देखी ही नहीं थी so they used to feel very odd. और मैंने अपना करियर कैलकटा से शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट और वहां पर तो बहुत कम मतलब एक दो गर्ल्स को ऐसे देखते थे. तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि पैसेंजर्स उतर गए कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे इस फ्लाइट में. हाँ कि कोई वुमन पायलट है और कितनी छोटी है ये कैसे चलाएगी ये पायलट है कि कौन है यू नो ऐसे होता था. पर विथ टाइम आई थिंक पीपल स्टार्टेड गेटिंग द कॉन्फिडेंस. फिर जब वो हमारी अनाउंसमेंट या हम लोग के अनाउंसमेंट सुनते थे और हमारी लैंडिंग्स के बाद दे वर हैप्पी कि अच्छा व्हाट वुमेन आर डूइंग इज अ ग्रेट जॉब एंड दे आर यू नो दे कैन डू गुड लैंडिंग्स या यू नो वी आवर फ्लाइट्स आर कंफर्टेबल. तो फिर कहने लगे ओ इफ इट्स अ वुमन पायलट आई एम श्योर द फ्लाइट विल बी वेरी कंफर्टेबल. फिर ऐसे बोलने लगे उसके बाद चेंज आपने खुद यू ब्रॉट द चेंज यू आर द चेंज. Was it intentional with some planning कि मुझे मतलब पायलट को पायलट ही चाहिए डॉक्टर को डॉक्टर चाहिए इंजीनियर को इंजीनियर चाहिए. You know, one thing was certain कि I wanted to, of course I wanted to be a pilot, but like I, you know, everything in my life till I think I turned 50, I think everything was structured. मतलब I planned each and everything. Whatever I planned, I did. Yes, because you know I didn't know any other way, and I, you know, the other two pilots who were before me, they were not married. Yeah. So I was very sure. I said I really want to have a career, and I want to also marry, and I want to also have children. And I also knew when I want to have children and how many I want to have. All that also I knew. So I think it was a very conscious decision. But I thought that if I marry a pilot, maybe he will, you know, understand me better than any other person. And wo samajh payenge mere timings ki, odd timings, ghar se bahar rehna, aur male pilots ke saath flying karna. You know, because everything matters. And that understanding. So I think the first nice pilot I met, I liked him and he liked me and we were married within 9 or 10 months of meeting each other. And then you're blessed with two very beautiful pilots. Your son, your daughter. Is she with Indigo? And yeah, my daughter. My daughter and my son-in-law, her husband. They both fly for Indigo. वो भी हाँ सो दे आर बोथ कैप्टन विद इंडिगो द एयरबस 320 एंड माय सन इज विद एयर इंडिया ही इज अ 777 कैप्टन. मैम जब ये जो मुझे ज्यादा टर्मिनोलॉजी की कंफ्यूजन होती है बट जब ये 26 इयर्स पर जो आपका ये रिकॉर्ड है
इसको जब आप 89 में ये ड्रीम लाइनर का जो है बोइंग वाला जो आप लेकर आई थी, ओके, सो आई टेल यू. सो इन कंफ्यूज हो गए ना 89, दो जोड़ हाँ, आपने दोनों को जोड़ दिया, कोई बात नहीं, इट्स दिया। ओके. बोथ आर बोइंग, या बोथ आर बोइंग. सी, अ बोइंग इज अ कंपनी, एयरबस इज अ कंपनी, एंड अ बोइंग 737 इज अ टाइप ऑफ प्लेन, एंड अ ड्रीम लाइनर इज अ बोइंग 787, दैट्स अ टाइप ऑफ प्लेन. ओके, सो इन व्हेन आई गॉट माय कमांड, व्हेन आई बिकेम अ कैप्टन in 1989, I was the youngest woman to fly a jet, that's a Boeing, for a scheduled airline. Because there were women, उस समय women थी जो मेरे से भी young थी, पर वो लोग scheduled airlines के लिए flying नहीं करते थे. कोई cargo में flying कर रहा था, कोई smaller planes fly कर रहे थे. So that's the difference. So that was a very big, you know, thing in world aviation history. कि हाँ, at such a young age, somebody has become a captain. तो एक जो ये दूसरी थी कि जो आप यूएस से लेकर आई थी। हाँ, वो था कि दिस वाज इन 2012, हाँ जी और या सो आई बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन वुमन कैप्टन अगेन टू फ्लाई द बोइंग 787, द ड्रीम लाइनर. ड्रीम एंड लाइन ये उसी समय, हाँ उसी ओके समय, हाँ उसी समय ये नया प्लेन हम लोग, मतलब फर्स्ट थ्री एयरलाइंस, ऑल निपॉन एयरवेज एंड जापान एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, वी वर द फर्स्ट थ्री कस्टमर्स टू बाय दिस प्लेन. सो आई ब्रॉट द सेकेंड ड्रीम लाइनर फॉर एयर इंडिया फ्रॉम चार्ल्सटन, साउथ कैरोलाइना इन द यूएस टू यस इंडिया. सो दैट ट्वेन वॉज अ वेरी, या दैट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट, बिकॉज यू नो आई वेंट टू द बोइंग फैक्ट्री. हम लोग ने वहां पे प्लेन देखा, सब चीज देखी कि वो ठीक है, उसको फिर फ्लाई करके लेकर आए, ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट एकदम, यू नो. एंड वैलेंटली ऑफकोर्स इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड कि आप एक, हाँ, और नया अभी प्लेन जो लेकर आए. रिसेंटली आपकी उसमें सुपरविजन में कह लो या आप उनकी टीम में थी जिसको ये कैप्टन जोया लेकर आई है जो नॉर्थ पोल। हाँ, यस सो यस कंग्रेचुलेशंस एब्सोल्युटली. फॉर इट मैम, आप की इन सारी टीम को। इनफैक्ट इट वाज सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन, द एंटायर इंडियन क्रू इनटू इट। उसका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? यू नो एक्चुअली प्रीत, व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, आई गॉट एक्चुअली ड्यूरिंग द कोविड टाइम, आई वाज, यू नो, आई यूटिलाइज्ड माय टाइम इन अ वेरी गुड वे. So initially, of course, the first 3-4 months I was at home, and you know, everybody got busy with housework and cleaning and washing and keeping, cooking, because of course in India we are so used to maids. I'm sorry to say that, but I mean it sounds really cliched, but that's how our life is. You know, we don't have so many other, our homes are not so well equipped, so we do need outside help. And it's not bragging, but that's how life is in India. Absolutely, Ainsi, लाइफ ऐसी चलती है इंडिया में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिना उसके काम नहीं कर पाते. सो पहले 3-4 महीने तो उसी में निकल गए, घर को संभालते संभालते. फिर जब एडजस्ट या फिर जब हेल्प आनी शुरू हुई, फिर मैंने सोचा कि अच्छा, इस बार अब मैं पढ़ाई करना शुरू करती हूँ. तो फिर मेरा बहुत मन था फ्लाइट सेफ्टी, फ्लाइट सेफ्टी। सेफ्टी के कुछ कोर्सेज. मैंने तीन बहुत बहुत ही अच्छे, तीन बहुत बड़े लंबे लंबे कोर्सेज, 2-2 वीक्स के कोर्सेज किए फ्रॉम द यूएस यूनिवर्सिटी इन द यूएस. एंड दैट रियली हैज हेल्प मी, बिकॉज सडनली इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आई गॉट दिस असाइनमेंट विद फ्लाइट सेफ्टी इन एयर इंडिया. एंड लास्ट ईयर आई वॉज प्रोमोटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर फ्लाइट सेफ्टी. या एंड देन आई बिकेम द चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी ऑल्सो. सो यू नो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज फ्लाइट सेफ्टी इज द वन डिपार्टमेंट विच होल्ड्स द एंटायर एयर इंडिया. आई मीन इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, यू नो. सो एवरीथिंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ फ्लाइट सेफ्टी. एवरीथिंग दैट यू डू हैज टू बी वेटेड बाय द फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट. द रिस्क असेसमेंट्स हैव टू बी डन. तो हम लोग 2 साल से फ्लाइट सेफ्टी डिपार्टमेंट पोलर ऑपरेशन की तैयारी में थी, और अगस्त 2019 में हमने फ्लाइट भी करी थी एक, पर हमने कोई भी ऐसे पैसेंजर फ्लाइट, रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट नहीं करी थी. दैट वाज द फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट दैट वी हैड डन. तो इस बार हमें मौका मिला, और हमारे एयर इंडिया ने फिर सोचा कि चलो क्यों ना हम 4 वुमेन पायलट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. तो हम लोग अपने पूरे सब रिसर्च किया इस पे, सब तैयारी की इसके लिए, और मैं 3-4 दिन पहले सैन फ्रांसिस्को पहुंच गई देखने के लिए कि और सब चीज उन्हीं ठीक दिनों में से मैं हो. आपकी जान खाना शुरू हुई थी।
जनवरी में, हाँ तो वो हम लोग जनवरी से अपना ये सब कोशिश में लगे हुए थे कि अब सब ठीक से हो। फिर रेगुलेटर्स हैं हमारे, डीजीसीए है इंडिया में, एफए है अमेरिका में, जैसे आपका सीए है इन द यूके, तो सब एजेंसीज के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना था, देखना था कि जो हम रूट लेंगे वो कैसा होगा, वहां पे अल्टरनेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए एयरपोर्ट्स के, रिट्रीवल अगर कोई जहाज इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े कहीं पे तो हमें कैसी फैसिलिटीज मिलेंगी, लॉट ऑफ वर्क। एंड देन द फ्लाइट वाज अनइवेंटफुल एंड इट वेंट ऑफ वेरी वेल। सो दिस रियली वाज ऑन द 9th of January एंड वी लैंडेड हियर टू बैंगलोर ऑन द 11th of January, टू सो द ग्रेट बिगनिंग फॉर दिस ईयर। द या एब्सोल्युटली या। एंड मैम ये सब तो सारा हो गया करियर वाइज आपकी, ये जो है इसके अलावा आपको क्या पसंद है, फिल्में देखना I, पसंद, यू huh? लाइक फिल्म्स, वाचिंग फिल्म्स? Films, you know what? Actually, at the moment, I'm so outdoor. मतलब in my life, I've been so much outdoors that I've kept that for a time when I can't Retire. move much. Yeah, no, not retire. I'm going to retire soon, but I'm still going to be jumping around. I'm still going to be moving around. But I think films take a lot of time. I don't spend that much of time at home, and I don't want to spend so much of time in front of the screen, because I think when you can move around, when you're physically fit, I think it's Absolutely. super important to be outdoors, to be swimming, hiking, doing something that you really like. And of course, films will come. But yes, I do watch some TV, but what everything has a limit. और जब मैं टीवी देखना शुरू करती हूँ तो या थोड़ा ने, हाँ घुस जाते नेटफ्लिक्स हो, हो या कोई, इंटरप्ट बिल्कुल घुस जाती हूँ आपके जैसे, जैसे आप रिसर्च में आपने पूरी एक एक वर्ड पढ़ लिया है तो मैं पूरा जो सीजन है, पूरा एक सीजन, वो पूरी एक रात में खत्म कर देती हूँ। हो तो जाते मैं, हाँ तो मैं 14-15 hours एक बार में देख लेती हूँ, इसीलिए फिर मैं सारा टीवी, इतनी डेडिकेशन के साथ काम करना कि अगर टीवी भी देखना है तो वो भी पूरा खत्म खत्म कर देना है। कर। हाँ तो फिर मैं इसीलिए मैं थोड़ा कम देखती हूँ मैं टीवी। तो आई डोंट आपको गिव दैट, लगेगी कि आपको कोई खास बॉलीवुड का ये जो हिंदी ट्रैक्स में से कोई गाना पसंद है, तो क्योंकि मैं जब हाँ से आपके बारे में पढ़ रही थी ना, तो मुझे तो मेरे दिमाग में आपको देखकर और आपके बारे में पढ़ के सिर्फ एक ही गाना आता है कि आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, देखो देखा है किसी ने मुझे उड़ते हुए वाला। आप वो बिल्कुल आपकी है मेरे लिए। आप है बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि मुझे पता है इस बात का जवाब, लेकिन मैं फिर भी आपसे सवाल पूछूंगी कि कोई रिग्रेट है लाइफ में? हाँ एक है, है, एक एक है, एक ऑफ कोर्स, ऐसा तो हो नहीं है। सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो। ये भले ही ये है कि कोई तो कह, आपका रिग्रेट है ना, आप सुनने से पहले मैं बता रही हूँ, बड़ा माइनर सा है, ये कोई नहीं नहीं रिग्रेट नहीं बहुत नहीं। बहुत ही मेजर रिग्रेट है, बट आई थिंक आई कम टू टर्म्स विद इट नाउ, आई कांट हेल्प इट। पर मैंने अभी इसका भी इंतजाम मैं कर रही हूँ, पर धीरे धीरे कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत नहीं कर रही हूँ उसके लिए। तो मेरा ये रिग्रेट है कि लाइक आई टोल्ड यू, मैं क्लास टेंथ में, नहीं गई कॉलेज नहीं गई मैं, तो मैं वही मैं क्लास कहती, ट्वेल्थ, वैसे तो रिग्रेट है नहीं है, आपने पता नहीं कितनी जगह पर ये बोला मैं, पर मुझे ये कोई इतना, आप उन ऊंचाइयों तक गई हुई हैं जो कॉलेज जाने वाले नहीं, उनके पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो कॉलेज जाकर क्या होना था। या बट यू नो वॉट, इट्स जस्ट अ फीलिंग दैट यस आई, यस इट्स नॉट दैट आई मिस, इट्स नॉट दैट आई मिस, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट समटाइम्स मेक्स मी फील इनकम्प्लीट यस कि आई एग्री। आई हैवन गॉट दैट एजुकेशन, दैट, बट आई डोंट नो वेदर दैट एजुकेशन विल हेल्प मी, एंड स्पेशली नाउ, और इट वुड हैव हेल्प मी, आई डोंट नो। बट इसीलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी लास्ट ईयर, यूएस की यूनिवर्सिटी, ओके एंड या इट्स अ फुल यूनिवर्सिटी, एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दे हैड एन ऑनलाइन क्लास, बिकॉज ये तो सब इट्स अ फुल टाइम क्लासेस, दे हैव। तो मैंने 3 courses इनके कर लिए हैं, और अगर मैं ये फोर्थ वाला भी जो मुझे करना है वो कर लूंगी, देन दे गिव यू लाइक अ सर्टिफिकेट, इट्स नॉट अ डिग्री बट लाइक अ राइट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो आई वुड से कि मिनी मिनी कॉलेज तो हो ही जाएगा मेरा, मिनी कवर कुछ मैं मिनी कवर हो तो जाएगा।
जाने से पहले मैम एक लास्ट क्वेश्चन, कि आपने आपने जो भी अचीव किया, जिस भी रास्ते पर चली, आपने एक चीज तो बिल्कुल साबित कर दी है कि जो जेंडर वेंडर ये चीज है ये कुछ नहीं है, अगर आप में डेडिकेशन है, कमिटमेंट है और आप में पैशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उसमें ये एक्सक्यूज बनाने की या इसको जरूरत नहीं है। बट आप जाने से पहले उन सब लड़कियों को, उन सब औरतों को जो गिव अप कर देती है कहीं ना कहीं, या जो डर जाती है, जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स हैं अभी भी, चाहे उस तरह नहीं है जैसे आपके टाइम पर थे, बट स्टिल है जहां पर कम है परसेंटेज फीमेल्स की जो हेजिटेंट है उस रास्ते पर चलने में के लिए, तो उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगी, लेकिन आप अपनी वो फ्लाइट अनाउंसमेंट की तरह से देकर? Okay, so I, you know, you have to give me time to rehearse because you never gave me any time to rehearse. But still, I'll try and make it. But मैं इसको English में कर देती हूँ, because हिंदी में तो मुझे words सोचने पड़ेंगे. हिंदी में तो मुझे words ही सोचने पड़ेंगे. So I would say, okay. Well, hello, dear boys and girls. Be passionate about anything that you want to do, because with passion, you can fly to the greatest heights. And don't be scared. If anybody has done it before you, you can do it too. And if anybody has never done it, then that's for you to decide whether you want to go that path or not. There is no path which is easy. Every path is difficult. And your hard work, your truthfulness, your sincerity and honesty will take you a long way. Don't change that path. And if you ever feel underconfident, ask for help. Never hesitate. Most of us, we hesitate to ask for help. Don't hesitate. It's not wrong. Somebody will be there to help you, but if you don't help, you will never know. Yes. So believe in yourself, dream big, and where there's a will, there's a way. Thank you so much, Nivedita ma'am. Thank you so much. Oh, it's such an honor. I'm so privileged, so honored ki aapse interaction hua, aur main sari zindagi isko sambhal ke rakhungi, aur next time jab aaungi to koshish karungi ki personally aapse milke aapke saath baith kar baat kar sakun. हालांकि ये तो मेरे पास संभाली रहेगी चीज, मेरी लेगेसी आगे बच्चों के लिए भी जाएगी. थैंक यू सो मच, बट आई एम सो सॉरी कि मुझे बहुत समय लगा आपसे जुड़ने में. प्लीज प्लीज, आई डू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू अ वंडरफुल वंडरफुल वुमन. एंड आई नो, एंड आई हैव टू से वन मोर थिंग इफ यू हैव द टाइम. आई हैव टू से वन थिंग. आई जस्ट रियलाइज्ड दैट आई थिंक वी शुड गिव अप दिस वर्ड ऑफ वुमेन. Women empowerment. I think women are empowered. Already. From the day we are born, we are empowered. Yes. You know, as young girls, we are very bold. As mothers, we are very strong. And I think we sacrifice a lot to achieve anything. And I think we are very, very strong and determined. So I don't think women need that empowerment. We don't need to talk about empowerment. Yeah. Yeah. And we don't need any special day, वैसे तो हमारे 365 days are the women's days. So, but still, as it continues, thank you so much. So thank you so much. Lovely talking to you. Same. बहुत मजा आया. और I think मैं आपसे मिलूंगी जब मैं लंदन आऊंगी तो. और मैं आपसे मिलूंगी जब दिल्ली आऊंगी. जरूर. Thank you. अगर आप हुई वहाँ पर. Of course, definitely. Thank you, ma'am. Namaste. Thank you so very much. Bye. Thank you.